नमस्कार, आइए बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और यहाँ पर सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच चुकी है। सूर्य के पर्व तक जब कनिष्ठा उंगली पहुँच जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने निर्णयों के द्वारा सफलता प्राप्त करता है। अच्छी बुद्धि उसके पास होती है, सही ज्ञान की बातें जल्दी से अर्जन कर लेता है, साथ ही साथ अपनी भाषा शैली से लोगों को प्रभावित करता है। तो यहाँ इस प्रकार की उंगली। अब बात करूँ आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ पर सामान्य रूप से ऊपर से नीचे तक, यानी कहूँ तो तीनों के तीनों पर्व अनुकूल अवस्था में। सेकंड पर्व जो व्यावहारिक पर्व है उस पर थोड़े से कच के निशान है, यानी कि थोड़ा सा अपने अहम में, अपने अहंकार में थोड़ा सा व्यक्ति कभी कभी चला जाता है। इस बात पर आपको नियंत्रण रखना है। लेकिन शनि की उंगली के साथ आपकी उंगली एकदम चुपकी हुई है, यानी कुल मिलाकर के आप घर वालों से, अपने माता पिता की सेवा करने वाले हैं और घर वालों से प्रेम करने वाले हैं, उनको साथ लेकर के चलने वाले हैं। अब बात करूँगा आपकी सूर्य की उंगली के बाद में शनि की उंगली की। शनि की उंगली और शनि की उंगली का दूसरे पर प्रकट मौजूद हैं और तीसरे कट पर भी मौजूद हैं, यानी कि कुल मिलाकर के ऐसा ज़रूर ध्यान रखिएगा अपने जीवन के अंतर्गत कि आप अपने धन पर स्वयं लात ना मार दें। यानी आपके धन के अच्छे खासे आगमन बने हुए हैं और आप अपनी व्यवहारिकता में कोई गलती करके और स्वयं उस पर लात ना मार लें। ये वर्तमान में जब तक रेखाएं इस तरह खींची रहेंगी उनका यही फल जाने, और तीसरे पर्व पर जब ये हो जाता है तो ये इस प्रकार के चीज़ को बल देता है कि आप किसी को अपना धन दे दें तो वो धन लौट करके नहीं आता। तो यहाँ इस प्रकार की स्थितियों को दर्शाने वाला, कई बार व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी नहीं मिलती है। तो चलिए अब बात करूँगा आपके एक और उंगली की। ये उंगली और इसको बोलते हैं बृहस्पति की उंगली, ज्ञान की उंगली, और यहाँ ज्ञान की उंगली और यहाँ दूसरे पर प्रकट के निशान। अपनी व्यावहारिकता में ऐसा काम बिल्कुल ना करें कि अपने अड़ियलपन से या अपनी बातों के कारण पत्नी के साथ अनबन जैसे रिश्ते बने, उनका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये नीचे वाला जो पर्व होता है इसको भी आर्थिक रूप से हर एक चीज़ में माना जाता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा ध्यान रखें, धन जो है उस पर ग्रहण न लग जाए आप के कहीं बढ़ चढ़ कर के बोलने के कारण। जैसे एक व्यक्ति, कई बार मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो धर्म के नाम पर भी इतना ज़्यादा पैसा दे देते हैं कि अपने पास भी धन बचा के नहीं रख सकते। तो चलिए कुछ इस तरह की इच्छाओं को या पत्नी के साथ अनबन होकर के पैसे का खर्च। अब बात करता हूँ यहाँ पर बुध पर्व की। बुध का पर्व और धन के पर्व के लिए जाने वाला ये पर्व, इस प्रकार का जब पर्व व्यक्ति के पास में हो तो धन के आगमन निरंतर रूप से वर्तमान में भी आपके पास बने हुए हैं, और संतान के जहाँ तक सवाल है उसके लिए क्रॉस का चिन्ह हो गया तो हो सकता है कुछ देरी से मिले या कुछ संतान से, जब तक ये एक्स का चिन्ह बना रहेगा थोड़ा अनबन कह सकते हैं या स्वास्थ्य बच्चे का ठीक नहीं है। आइए बात करता हूँ मैं आपके सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व नीचे ट्रायंगल बना करके और सूर्य के पर्व से जाती हुई ये रेखा यहाँ बुध पर्वत को भी जा रही है, यानी यश के साथ साथ धन का आगमन, नौकरी से यश के साथ धन का आगमन को दिखलाने वाली ये यहाँ पर आपके हाथ में ये रेखाएं बनी हुई हैं। तो यश है, उन्नति है, नौकरी है, इस प्रकार को दर्शने वाले अच्छा यहाँ राज्य सरकार या अच्छे सेक्टर के द्वारा धन प्राप्त करने के योग। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके शनि पर्व के। शनि का पर्व और जैसा कि शनि के पर्व यहाँ दिखलाई पड़ रहा है कि अच्छे खासे बड़े लोगों से संपर्क बना करके एक ट्रायंगल बनाता हुआ छोटा सा और ऊपर की तरफ दो विभागों में बढ़ जाना, यानी कि दूर दूर तक के लोग व्यक्ति को जानते हैं और जीवन के आखिरी चरण पर धन के आगमन अच्छे आपके पास में बने रहेंगे। चलिए अब एक और बात करता हूँ आपका, इसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। और बृहस्पति के पर्व पर जब ये दो रेखाएँ यहाँ खड़ी हो जाएँ तो इस बात को दर्शाती हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर एक्स का चिन्ह राज्य सरकार से लाभ दिलाता है, और ये रेखाएं जब खड़ी हो जाती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत से मकान भी बना जाता है। तो ये अपने आप में अच्छा पर्वत यहाँ पर मिला। चलिए इसके बाद बात करूँ आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और कुछ गहराई के साथ चलती हुई, यानी कि और आखिर के जाकर थर्ड पर्व, तीन पर्व से देखना। देखिए नीचे वाला बृहस्पति के पर्व जो होता है और जिसकी तरफ जब हृदय रेखा थोड़ा जाकर के मंगल पर्व को भी देखती है तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ देती है, थोड़ा सा कई बार मैंने देखा व्यक्ति में अभिमान हो जाता है।
तीन रेखाओं में से एक रेखा को बृहस्पति के सेकंड पर पड़े, तो वो अभिमान या वो एग्रेसिवपन आपका कहीं पत्नी से मतभेद को लेकर के ना हो, पत्नी के साथ वाचाल ना हो, आपकी दो चार बात ना हो, तो उनकी बात को थोड़ा समर्थन दें। अभी वैसा ऐसा कोई संकेत नहीं कि जिससे मैं कह सकूँ तो कोई यहाँ कोई आपको तलाक के योग हैं या कुछ इस तरह की कोई संकेत यहाँ पर नहीं है। चलिए एक और बात हो गई, अब बात करेंगे यहाँ पर मंगल पर्वत। मंगल पर्वत से निकल करके ये रेखा जा करके यहाँ शनि पर कुछ पहुँचती है, यानी साहस के द्वारा धन का अर्जन प्राप्त करना, साहस के द्वारा से बुध पर्वत को देखना यानी कि बुद्धि के से द्वारा धन प्राप्त करना, और ये जो रेखाएं जितनी अंदर से निकलती हैं ये सभी शक्तिशाली रेखाएं होती हैं जो व्यक्ति के अंदर एनर्जी पैदा करती हैं और एनर्जी के साथ व्यक्ति धन प्राप्त करता है। तो एक ये बात हो गई। अब बात करता हूँ इसके बाद आपके द्वितीय मंगल पर्व की, वहाँ कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, इससे मैं कह सकूँ आपको किसी झगड़े झंझट मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। बुद्धि रेखा की बात करूँगा, बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा से लगातार उठने वाली रेखाएं, यहाँ एक सूर्य पर्वत को प्योर रूप से उठी, एक बुद्ध पर्वत की तरफ देखने वाली और एक मंगल पर्व की तरफ। जब सूर्य पर्वत को देखेगी दूर स्थानों से जुड़कर धन कमाएंगे, जब बुद्ध पर्वत को देखेगी तो आप धन कमाएंगे, और जब मंगल पर्वत से संबंध बना रही आखिरी रेखा जो मंगल पर्व के साथ संबंध बना रही है तो राज्य सरकार से लाभ प्राप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह की रेखाएं, कई बार जब मंगल पर्वत से इस तरह की रेखा आकर के हृदय रेखा में मिलती है तो ये व्यक्ति को मांगलिक दोष को भी कहलाती है। तो चलिए ये आपकी मैंने रेखाओं का फल बताया और साहस के स्वाद द्वारा धन भी प्राप्त करना। तो अब बात करूँगा बुद्धि रेखा के बाद मैं आपको सीधा सीधा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से निकल करके इस रेखा का शुक्र पर्वत पहुँचाना यानी कि दूर स्थानों से जुड़ करके आपको धन के आगमन का प्राप्त करना, तो ये इस प्रकार के यहाँ पर दिखने वाला ये फल है आपका। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी सीधा सीधा मैं भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा और यहाँ से जाकर एक भाग्य रेखा तो यहाँ मिली, दूसरी भाग्य रेखा का उदय यहाँ से निकल करके यहाँ हुआ, यानी कि परिवार से भी सपोर्ट मिली, साथ ही साथ एक दूर स्थान से भाग्य रेखा निकली यानी आपके जीवन में स्थान परिवर्तन अवश्य कराएगी, और साथ ही साथ एक भाग्य रेखा यहाँ से हटकर यहाँ आ गई है और इस जगह से चली। अब इसका फल क्या हुआ ये देखिए, कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत व्यक्ति सही चल रहा है, राज्य सरकार की नौकरी कर रहा है और करते करते उसे बहुत बड़ा प्रमोशन प्राप्त हो जाए, ऐसा 35 पर की एज पर लगता है आपका। कभी कभी देखने में आता है कि व्यक्ति नौकरी कर रहा होता है अच्छी खासी और उस नौकरी को छोड़ देता है और दूसरी नौकरी से जाकर के अपनी नौकरी की नई शुरुआत करता है। तो 35वें वर्ष पे कोई बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन, कोई बहुत बड़ा प्रमोशन या किसी नौकरी का चेंज करना, ऐसे यहाँ पर संकेत मौजूद हैं, लेकिन कुल मिलाकर नौकरी लगातार बनी हुई है। तो अभी आप 34वें वर्ष में हैं तो उसका फल मैंने आपको इस तरीके से ये आपकी भाग्य रेखाओं से बताया। अब रहा आपके सवाल ले लेता हूँ एक बार, उसके बाद फिर बताता हूँ। आपने कहा जॉब कैसी रहेगी फ्यूचर में, पूरे फ्यूचर में पूरी जिंदगी जब तक आप जिएंगे तब तक आप पर अपनी नौकरी के पैसे आपके पास बने रहेंगे, नौकरी के पैसे आपके पास आते रहेंगे, ठीक है। एक बार मैरिड लाइफ के लिए आपने पूछा, हाँ बिल्कुल, मैंने कहा कि थोड़ा सा एग्रेशन लगता है लेकिन कहीं से कहीं तक कोई तलाक के वो संबंध यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण रखने की ज़रूर आपको आवश्यकता है, तो एक उस तरह की बात बताई मैंने। और तीसरी बात स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में आपने पूछा, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए केतु स्थान का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो आपकी आयु रेखा में ये रेखा जा कर के मिल गई, यानी कि केतु स्थान से निकल कर के चंद्र का संबंध बना, यानी दिमाग में जरूर गहरी साधना करने की आपके अंदर आस्था है। ये रेखा जहाँ मिल रही है केतु स्थान से जाकर आयु रेखा में, दिमाग के अंदर गहरी साधना करने की सोच है, क्या वो मिलेगी, तो वो मिलेगी वाला चिन्ह अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन भावना है और आप करते भी हैं। चलिए मनी एंड फैमिली
पैसा तो मैंने बता दिया, पैसे की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके जीवन के अंदर, वो तो आपको मिलता ही रहेगा, उसकी कोई चिंता नहीं। पारिवारिक के लिए वो थोड़ा बहुत खटाव पत्नी के साथ है, लेकिन चलता रहेगा। अब बात करूंगा आपके परिवार की, तो आपके परिवार को तो आप सपोर्ट देने वाले व्यक्ति हैं। यूपीएस अप्स एंड डाउन इन कैरियर टाइम, चलिए एक इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यदि अप्स एंड डाउन की बात करता हूँ तो एक रेखा यहाँ पर जाकर के इस रेखा को जब यहाँ गिरते हुए देखिए आप, मैंने कहा था इसका संबंध है आपका साधना से। ये आपकी एज जो है ये लगभग यहाँ बैठेगी जाकर 55 साल के आसपास। तो यहाँ पर कहीं ऐसा ना कर लें आप कि भ्रमित होकर के आप जो है अपनी जॉब को छोड़ दें या साधना में चले जाएं। तो ये डाउन नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ कुछ विरक्ति की भावना आएगी उस इसको दिख रहा था हुआ। यहाँ उस हाथ में जब देख रहा था तो यहाँ पर ये दीप नज़र नहीं आया था, यहाँ पर ये दीप चल रहा है। देखिए ये दीप क्या है, अभी जो मैं बात कर रहा था तो मैं सोच रहा था इस रेखा का उदय हो रहा है यहाँ पर, लेकिन ये रेखा का उदय नहीं हो रहा था, दूसरी का, ये बन रहा है यहाँ पर दीप। और जब ये दीप यहाँ बन रहा है, दूसरे हाथ में बता दूंगा मैं आपको, तो ये बन रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर दीप बन रहा था और वहाँ दिखाई दे रहा था ये अपने आप में दूसरी रेखा का उदय, यानी दूसरे स्थान से नौकरी। यहाँ कुल मिलाकर के ये दीप है, और जब ये दीप बना हुआ है तो ये दीप बना हुआ है लगभग 39वें वर्ष तक। तो यहाँ यदि स्थान परिवर्तन जैसी चीज़ नहीं आई तो थोड़ा सा अपनी नौकरी पर आप खुद लात ना मार लें, इस बात का मुझे डर है। तो चलिए ये अपने आप में 35 से अभी से लेकर के 39वें वर्ष तक ऐसी स्थिति है। तो मुझे डाउन कैरियर की चिंता यदि है तो वो सिर्फ और सिर्फ 39 तक है, कि कहीं कोई आप गलत निर्णय लेकर के आप स्वयं अपने कार्य पर अपनी नौकरी पर लात ना मार लें। चल, लाइफ और रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद बताया मैंने आपको, धन कमाते रहेंगे इसमें कोई भी शक नहीं है, और कार्यों के द्वारा कुल मिलाकर के हाथ की रेखाएँ सम अनुकूलता के साथ में मौजूदगी, तो अच्छी है लाइफ। बस अभी ज़रा थोड़ा ध्यान रखिए, 39 वर्ष तक कोई गलत काम ना करें। आइए शुक्र पर्वत को देख लेते हैं, शुक्र पर्वत और एक कैंची का चिन्ह यहाँ शुक्र पर्वत भी है, यानी कुल मिलाकर के अब शुक्र पर्व होता है सुख का, सुविधाओं का, ऊपर का अंगूठे का शुक्र पर्वत भी पीड़ित है, वो संतान के सुख में देरी को दिख रहा था, कभी कभी संतान का सुख नहीं मिलता। शुक्र पत्नी की भी होती है, पत्नी के साथ अनबन को दिख रहा है, और यहाँ ये एक्स का चिन्ह भी है, तो थोड़ा नियंत्रण रखिए अपने ऊपर यहाँ पर, तो ज़्यादा आकर्षण या ज़्यादा विरक्ति या ज़्यादा सुख सुविधा या पत्नी से ऐसा झगड़ना, ये कुछ प्रभावित चीज़ें मुझको दिखलाई दी है, और उधर भाग्य रेखा पर भी ये चीज़ नज़र आई। तो आइए, आपकी सारी रेखाओं को बता दिया, अब मैं आयु रेखा के बारे में बात कर लेता हूँ। आपकी आयु रेखा जा कर के यहाँ वो जोड़ कर चली गई चंद्र पर्वत के लिए, तो यहाँ ये यहाँ गई है नीचे शुक्र पर्वत के लिए, तो कुल मिलाकर के 77-78 वर्ष की आयु रेखा भी आपके हाथ के अंदर यहाँ पर विराजमान है, तो आयु रेखा भी आपके पास ठीक ठाक मौजूद है। तो सारी रेखाओं के पर्वतों के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बताया। सबसे ज़्यादा मुझे अगर चिंता है तो आपके अब से लेकर के 39वें वर्ष तक, इसमें कोई आप उलट फेर ना कर दें, कहीं नौकरी ना छोड़ दें, कहीं विरक्त ना हो जाएं, कहीं पत्नी से ना लड़ बैठे, मतलब कुछ ना कुछ 4 साल टिफिकल हैं आपके लिए। इन 4 साल में आप बस जो डाउन की बात करते हैं उसी 4 साल में ही हो सकता है, और उसमें भी आपका खुद का गलत निर्णय, तो उस पर आपको सावधानी बरतनी है अपने जीवन के अंतर्गत। आपको 4 साल के अंदर क्या करें आप, जो आपका कोई आपको अड़चन ना आए और आप शांत रूप से अपने काम को कर सकें। सबसे पहले तो एक पुखराज पहन लीजिए बेहतरीन सा, इस उंगली के अंदर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी पूजा में रोजाना हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, हनुमान अष्टक पढ़े, रुद्राष्टक पढ़े, बस ये दोनों के दोनों आप पढ़िए, या बजरंग बली की कोई भी पूजा करिए, और अपने जीवन में सुखी रहिए। नमस्कार।